हेलो वेलकम फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं कि नेटवर्किंग में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं तो नेटवर्किंग एक अहम टॉपिक होता है आपके लिए, और नेटवर्किंग से कुछ जनरल सवाल जो पूछे जाते हैं क्या क्या। देखिए, पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं। तो अलग अलग किताबों में बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, किसी में तीन दिया, किसी में दो दिया, किसी में चार दिया, किसी में पाँच दिया, किसी में छः दिया। देखिए, जनरली नेटवर्क पाँच टाइप के हैं, ठीक है। कितने टाइप के हैं? पांच टाइप। अब एक एक के नाम मैं बताता चलता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। पहला जो नाम है वो आता है लैन का। देखिए, लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ना, ये इसकी एक रेंज होती है, ठीक है। तो जो रेंज होती है लोकल एरिया नेटवर्क की, वो क्या होती है? वो होती है मैक्सिमम 1 किलोमीटर की, ठीक है। मैक्सिमम कितनी होगी? जब भी होगी मैक्सिमम तो 1 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं होगी। दूसरा है जिसका नाम है पैन। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क समझते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया ब्लूटूथ। अगर आपने ब्लूटूथ यूज किया है तो ब्लूटूथ की एक रेंज होती है जो बहुत लिमिटेड होती है, 5 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर या मैक्सिमम 10 मीटर, यही तो रेंज होती है ब्लूटूथ की। इसीलिए इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क आपको समझ में आ गया, यानी दो चीजें समझ में आ गई, एक तो लैन और दूसरा पैन। तीसरा होता है मैन। मैन जिसे बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेट्रो सिटीज में एस्टेब्लिश होता है। और जैसे मान लीजिए आप एयरटेल में काम करते हैं या जियो नाम की एक कंपनी में काम करते हैं और आप नेटवर्क इंचार्ज हैं, तो आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर का एरिया दे दिया जाता है जिसमें आपको नेटवर्क के बारे में सारी चीजें देखनी होती है, और उतने एरिया का पूरा कनेक्टिविटी आपको मिला रहता है। जहां पर भी दिक्कत होती है सारी कॉल्स आपके पास आती है, सारी दिक्कतें आपको सॉल्व करनी होती है। तो मैक्सिमम 40 किलोमीटर की रेंज होती है मैन की, जिसे बोलते हैं क्या? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। याद रखिएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बात हो गई मैन तक की, ठीक है। मैन के बाद एक और आता है कैन, जिसे बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क, जो जनरली कॉलेज वगैरह के कैंपस में ये लगा रहता है, ठीक है। वैसे तो ये भी एक तरह का लैन ही होता है, लेकिन इसकी रेंज थोड़ी सी अब सपोज कीजिए वही रहेगी, 1 किलोमीटर तक की रेंज इसकी भी रहती है मैक्सिमम, और इसका फुल फॉर्म होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। तो याद रखिएगा, यानी कुल मिलाकर 4 हो गए। अब बचा लास्ट। लास्ट क्या है? लास्ट है वैन। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क की रेंज कहीं कहीं किताबों में या नेट पर शायद 6400 किलोमीटर देखने को मिलती है, लेकिन एक्चुअल में इसकी कोई रेंज नहीं होती है। इसका एग्जांपल हो सकता है गूगल, याहू, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि गूगल अगर आप देवरिया में है तो चला ले रहे हैं और लखनऊ में जाएंगे तो नहीं चला पाएंगे, यूएस में जाएंगे तो नहीं चला पाएंगे, ऐसा तो है नहीं। जहां पर भी ये गूगल की सुविधा आपको मिलेगी, इंटरनेट की सुविधा मिलेगी और वहां पर वैलिड है कि आप गूगल चला सकते हो, तो वहां गूगल चला सकते हो, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ना, वो वैन का हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर नेटवर्क के कितने टाइप हुए? 5 टाइप हुए। पांचों टाइप आपको आसानी से समझ में आए होंगे। देखिए, लैन जो है ये होता है 3 टाइप का। पहला, अच्छा, लैन एक तो देखिए, देखा जाए तो अगर वायरलेस तरीके से देखा जाए और वायर वाले तरीके, तो देखिए लैन जो है 2 टाइप का, एक वायर वाला और दूसरा वायरलेस होता है। तो वायर वाला क्या है? वायर वाला वायर के थ्रू जाता है, वो गाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडिया यानी कि वायर कहां से कहां जा रहा है वो आपको दिखता है, लेकिन वायरलेस जो होता है वो किधर से किधर की तरफ जाता है ये आपको दिखता नहीं है। तो ये हो गया वायरलेस। तो वायर वाला और वायरलेस दोनों तरीके की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब लैन जो है 3 टाइप का होता है। देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि लैन जो है कितने तरीकों से यूज होता है, ठीक है, लेकिन टाइप कितने हैं इसके? इसके 3 टाइप है। पहला कौन सा है? पहला है जिसे बोलते हैं हम ईथरनेट, ईथरनेट केबल। यानी कि अगर हम कोई भी लैन लेते हैं तो वहां पर हम जनरली ईथरनेट ही यूज करते हैं, हम और कोई लैन नहीं यूज करते हैं, ठीक है। और ये ईथर के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है, जो लोग केमिस्ट्री वाले हैं वो लोग ईथर को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। दूसरा आता है जिसे बोलते हैं टोकन रिंग। टोकन रिंग क्या होता है? ये जनरली रिंग टोपोलॉजी में यूज होता है, रिंग टोपोलॉजी में। और रिंग टोपोलॉजी जैसे कि जानते हैं कि ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें 2 या 3 सिस्टम आपस में एक बार में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि बस टोपोलॉजी की बात करें तो बस टोपोलॉजी में सिर्फ 2 ही सिस्टम एक समय में आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन रिंग में 3 सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये जो टोकन रिंग है ना, ये कॉन्सेप्ट यूज होता है रिंग टोपोलॉजी में, टोकन रिंग वाला, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो आता है वो होता है FDDI। FDDI क्या होता है? FDDI का मतलब होता है फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। आई बात समझ में? तो ये कुल मिला के 3 तरह के हैं और ये पूरी नेटवर्किंग आई होप कि आपको समझ में आई हो।